The next numerical number 12.11 is: a ray of a light from air is incident on the liquid surface at an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the liquid is 1.25. Also calculate the angle, the critical angle between the liquid air interface. So हम पहले सबसे पहले वाले पार्ट को लेके चलेंगे, ठीक है, जिसमें हमें कहा गया है कि a ray of light from the air is incident on the liquid surface. अब हम एक liquid surface draw करें, ठीक है, ये क्या है, एक liquid surface है. हमें कहा गया है कि एक लाइट आई है जो कि इंसिडेंट हुई है, ठीक है, एट एन एंगल 35 डिग्री. जहाँ पे ये मीट करती है वहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है. सो ये हमारा एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 35 डिग्री, ठीक है. कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब जब भी हमारा मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, तो एयर से जब लाइट किसी और मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड कर जाती है टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, इस तरह से. इट मीन्स कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी बेंडिंग शो नहीं हो रही, थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बेंडिंग थोड़ी नज़र आए, ठीक है. ये हमारा क्या कहलाता है, रेयर मीडियम. ये है हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है. अब ये क्या है, ये हमारा है साइन ऑफ आई, जिसको अभी जस्ट हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है. हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल विच इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. एंड जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि लाइट बेंड कर रही है, तो वहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल की, तब हमने कहा कि बेंड कर रही, ठीक है, तो किस हद तक बेंड करती है, ठीक है. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट कितनी हद तक बेंड कर सकती है, उस टर्म को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड उसकी वैल्यू हमें बता दी गई है कि जब लाइट पानी के अंदर जाती है तो कितनी बेंड हो जाती है, इट इज़ 1.25, ठीक है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ये है हमारा 1.25. सो ये है हमारा गिवन डेटा, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम इससे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एंड क्या वैल्यू है इसकी, 35 डिग्री. देन हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या है, 1.25. फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं. पहला हमारा पोर्शन इतना है, अभी हम जस्ट इसी को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है. हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस थे, ठीक है, उसके अंदर हमारा सेकेंड लॉ ये कहता है कि हमारे पास साइन ऑफ आई, सॉरी ये आई है हमारे पास, साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है, और वो कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो ये क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला कि साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर यहाँ पे हम देखें, आई गिवन है, एन गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, आर. हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, किस तरह से, साइन आई इधर आ जाएगा, एन यहाँ पे जो है जिस तरह ये मल्टीप्लाई बाय वन, ठीक है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड ये उधर जाएगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से, ठीक है. इसको हम लोगों ने जस्ट रीअरेंज कर लिया. सो अब हमारे पास क्या बन चुका है, साइन आई ओवर एन इक्वल्स टू साइन आर. हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. साइन आई की वैल्यू क्या है, 35 डिग्री, ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 1.25, विच विल बिकम इक्वल टू साइन आर. अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से प्रेस करना है पहले साइन. ऐसा नहीं करना कि आई को जस्ट 35 लिख के और 1.25 कर दें, नहीं, क्योंकि हमें साइन मेंशन है साथ. सो पहले हम इसका साइन लेंगे, देन इसको डिवाइड करेंगे. सो हमने कैलकुलेटर में प्रेस करना है साइन 35, देन उसको डिवाइड करना है 1.25 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.458 इक्वल्स टू साइन आर. अब हमें क्या चाहिए, हमें जिस तरह सिंगल आई गिवन था, हमें उसी तरह से आर चाहिए, हमें साइन के साथ नहीं चाहिए. हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू का साइन इनवर्स ले लेंगे, ठीक है. जब हम साइन इनवर्स लेंगे, सो ये हमारे पास बन जाएगी 4.58 इक्वल्स टू, यहाँ पे आगे जगह नहीं है इस वजह से मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ, साइन इनवर्स
साइन एंड आर. सो जब यूं लिखा होगा माइनस वन एंड प्लस वन ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यानी एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जस्ट वन बचेगा इस तरह से. सो अब ये क्या बच गया, सिर्फ यहाँ पे आर, ठीक है. जैसे हम साइन को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इसका इन्वर्स ले लेंगे तो साइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड पे साइन इन्वर्स आ जाएगा. अब साइन इन्वर्स लेने का क्या तरीका है, आप जस्ट शिफ्ट प्रेस करें कैलकुलेटर में एंड देन साइन का बटन प्रेस कर दें तो आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा साइन इन्वर्स एंड यू, ठीक है. देन आपने आगे जो है अपनी वैल्यू लिखनी है, क्या लिखेंगे, 0.458. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.458 एंड मेरे पास आंसर जो आया है आर का, दैट इज 27.25 डिग्री, ठीक है. यहाँ पे डिग्री लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं. सो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, ये हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया है जबकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया है, जस्ट एक फॉर्मूला लगाया एंड देन उसको रीअरेंज करके हमने आर की वैल्यू निकाली विच इज़ 27.25. अब ये था हमारा एक सिंगल पोर्शन. आगे है ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस. अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल विच इज रिप्रेजेंटेड बाई सी, इसको फाइंड आउट करना है. अब देखें यहाँ पे हम एक जनरल केस ले रहे थे कि हम लिक्विड की सरफेस के ऊपर बाहर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे थे तो हमने कह दिया कि साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू एन होता है, ठीक है. अब यहाँ पे जब भी हम क्रिटिकल एंगल को डिस्कस करते हैं, बेसिकली क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके ऊपर ये रिफ्रेक्टेड रे जो है ये 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाती है. और ये हमारा हमने टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन के केस में पढ़ा था, सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हम क्या करते हैं. यहाँ पे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जिस तरह से, ठीक है. ये क्या है, एक डेंसर मीडियम. जब भी हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो हम डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं, ठीक है. हम कभी भी रेयर से डेंसर की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, जस्ट क्रिटिकल एंगल के लिए, ठीक है. अब देखिए अगर हम रेयर से डेंसर में आ रहे थे, फॉर्मूला क्या बन रहा था, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू एन, ठीक है. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है. अब क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जिस पे लाइट को थ्रो करवाया जाए तो ये जो हमारी ये आपको रिफ्रेक्टेड रे नज़र आ रही है ये 90 डिग्री के एंगल पे यूं बेंड कर जाए, ठीक है. नॉर्मल से क्या हो चुकी है, 90 डिग्री पे बेंड कर चुकी है. और ये हमारी कौन सी है, ये हमारा है लिक्विड एयर इंटरफेस, ठीक है. ये लिक्विड में भी है और एयर के दरमियान में से ये पास आउट हो रही है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है. इसका मतलब है ये इस टाइम हमारा क्या है, जिस एंगल पे थ्रो करवाया जाता है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. एंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे हमारी रिफ्रेक्टेड रे 90 डिग्री पे बेंड कर जाए उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है. ये होगी क्रिटिकल एंगल, ये होगी रिफ्रेक्टेड रे आर जो कि 90 डिग्री के इक्वल आ चुकी है. अब हमने क्या करना है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है, इक्वल्स टू एन. लेकिन ये तब के केस में था जब हम रेयर से डेंसर में मूव कर रहे थे. अब हमारे पास क्या है, डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है. और उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे कि लेट सपोज ये हमारे पास है, इस तरह से इसको लिख लेते हैं क्रिटिकल एंगल. हमारे पास बन रहा है सी, अगर हम जस्ट इसी को देखें, आई को हमने शिफ्ट कर दिया सी में, साइन आर यहाँ पे साइन आर किस में शिफ्ट हो रहा है, साइन 19 डिग्री में, ठीक है. अब यहाँ पे जो जस्ट एक सिंपल डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि रेयर से डेंसर में गए तो एन आया, लेकिन डेंसर से रेयर में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/n, ठीक है. ये बात ज़रूर याद रखनी है कि हम किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हैं. और पहले हमें मेंशन कर दिया गया था कि लाइट जो है वो एयर से पास करके वाटर में जा रही थी, ठीक है. यहाँ पे जब क्रिटिकल एंगल की बात की जाती है, क्रिटिकल एंगल के केस में हमेशा जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में मूव करती है, इसलिए यहाँ पे 1/n मेंशन करते हैं. अब साइन n एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, साइन सी सॉरी एज इट इज, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है. इसका मतलब है यहाँ पे 1 आ गया एंड 1/n, ठीक है. सो ये बेसिकली हमारा
इस तरह से एक रिलेशन आ चुके हैं. हमने इसको फाइंड आउट करने वैल्यू पुट कर देंगे n की. वैल्यू क्या है 1.25. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 डिवाइडेड बाय 1.25 गिव 0.8 आंसर. ठीक है, साइन c इक्वल्स टू 0.8. हमें क्या चाहिए, सिर्फ क्रिटिकल एंगल c की वैल्यू चाहिए. हम साइन इनवर्स लेंगे. ठीक है, साइन इनवर्स लेने से क्या होगा, 0.8. ठीक है, अब हम इसका साइन इनवर्स ले लेते हैं. सो हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ चुकी है 53.13 डिग्री. सो ये क्या आ गया हमारे पास, क्रिटिकल एंगल. एंड ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.11, जिसमें जस्ट ये देखना ज़रूरी है कि अगर हम पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो हमारी लाइट रे कहाँ से कहाँ मूव करें. एंड सेकेंड पोर्शन में जब भी क्रिटिकल एंगल की बात होगी और हम लिखना चाहेंगे इसके लिए फॉर्मूला स्नेल्स लॉ, बेसिकली हमारे पास स्नेल्स लॉ है. ठीक है, सो उसको हम जब लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे n नहीं बल्कि 1/n आएगा, क्योंकि अब हम डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमने सॉल्व कर लिया एंड क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या आ चुकी है 53.13. सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.11. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, विच इज द लास्ट वन न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज 12.12. The power of a convex lens is 5D. At what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed? So, ये हमारा जो numerical है, ये हमें क्या information दे रहा है, ये numerical की statement. Power of a convex lens. पहली बात हम यहाँ पे use करें convex lens. ठीक है. Second है कि हमें power दे दी गई है, which is 5D. जिसको डायोप्टर कहते हैं. ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास 5 डायोप्टर. देन हमें गिवन है कि एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड. इट मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर फाइंड आउट करना है. फ्रॉम मिरर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, आगे हमें क्या बताया गया है, should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed. So हमारा image किस तरह का बन रहा है, जो क्यों है वो 2 times larger है as compared to the object. ठीक है, so ये हमारा क्या बन चुके कि हमारा image 2 times larger है हमारे ऑब्जेक्ट से. ठीक है, हम यूज़ करें कन्वेक्स लेंस और यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल है या रियल, सो इसको हम रियल ही लेंगे. ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल अगर मेंशन कर दिया जाता तब हमारा साइन चेंज हो सकता था. यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया, इसका मतलब है कन्वेक्स लेंस के लिए रियल ही बनता है. सो ये हमारा रियल ही बन रहा है. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, अगेन वही हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1/f = 1/p + 1/q. ठीक है, अब देखें हमें चाहिए क्या क्या था, फोकल लेंथ. ठीक है, हमें क्या दिया गया, डायोप्टर में पावर दे दी गई है. अब हमें पावर को पहले चेंज करना पड़ेगा कि हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाए. उसके लिए क्या होता है कि हमारी जो फोकल लेंथ है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ पावर. ठीक है, एंड डायोप्टर जो है बेसिकली हमारा पर मीटर के इक्वल होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि आगे जो हमारे यूनिट्स हैं वो किस फॉर्म में आएंगे. ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे पावर की वैल्यू पुट करेंगे. पावर की वैल्यू पुट कर दें 1/5 पर मीटर. ठीक है, अब पर मीटर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/5 मीटर. ठीक है, अब 1/5 किसके इक्वल होता है, 0.2 मीटर के. सो ये हमारी क्या आ चुकी है, फोकल. लेकिन अब जब भी हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया कि हम फोकल लेंथ को, डिस्टेंसेस को, इमेज के डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर्स में जो है वो पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि आगे जो फर्दर हमारा आंसर है वो भी सेंटीमीटर्स में ही है. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.2 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, सो ये हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर्स. ठीक है, एफ क्या आ चुकी है अब हमारी, 20 सेंटीमीटर. ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, इसको थोड़ा इस साइड पे कर देते हैं, 0.2 मीटर्स. ये हम लोगों ने फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली. ठीक है, क्यू की वैल्यू एज इट इज गिवन है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, 1/f एज इट इज लिखे, 1/p, 1/q की वैल्यू क्या है, दैट इज 2p. हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, 2p लिखा, अब यहाँ पे
एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 प्लस 1 ओवर एफ. ये जस्ट हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है. पीपी से कैंसिल, सो 2 बचा, 2 वन जा 2 प्लस 2p, 2p से कैंसिल, 1 का 1 एज इट इज आ जाएगा. 2 प्लस 1 3 ओवर 2p, ठीक है, एंड 1 ओवर f. अब हमारी जो पूरा फॉर्म है वो जस्ट एक ही वैल्यू के अंडर आ रही है, दैट इज p. हमारा q बिल्कुल खत्म हो चुका है. अब हम क्या करते हैं, f की वैल्यू लगा देते हैं. f की वैल्यू क्या है, 20 इक्वल्स टू 3 ओवर 2p, ठीक है. इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2p यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 इंटू 20, ठीक है. सो ये क्या हमारा बन जाएगा, 2p इक्वल्स टू 60, ठीक है. अब हमारा 60 अगर आ गया है इस तरह से कि 2p इक्वल्स टू 60 है, हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट p चाहिए. 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. सो हमारे जो p की वैल्यू है दैट विल बी 30 सेंटीमीटर. क्या हमारा ऑब्जेक्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा होगा, तब हमारा जो इमेज है वो 2 टाइम्स लार्जर बनेगा एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट. एंड हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर. सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.12.